आकार हैं या निराकार? क्या उसका कुछ विशेषण भी है अथवा वो विशेषणों से रहित ही हैं? ब्रह्मा का नेत्रों से दर्शन हो सकता है या नहीं? वो समस्त देवधारियों में लिप्त हैं अथवा नहीं? उसका क्या लक्षण बताया गया है? वेद में उसका किस प्रकार निरूपण किया गया है? क्या प्रकृति ब्रह्म से अतिरिक्त है या ब्रह्म स्वरूपणी ही है? श्रुति में प्रकृति का सारभूत लक्षण किस प्रकार सुना गया है? ब्रह्म और प्रकृति, इन दोनों में से किस किस सृष्टि में प्रधानता है? दोनों में कौन श्रेष्ठ है? सर्वज्ञ, इन सब बातों पर मन से विचार करके जो सिद्धांत हो उसे अवश्य मुझे बताइए। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान पंचमुख महादेव ठठाकर हंस पड़े और उन्होंने परब्रह्म तत्व का निरूपण आरंभ किया। महादेव जी बोले, वत्स नारद, तुमने जो पूछा है वो उत्तम गूढ़ ज्ञान का विषय है। वेदों और पुराणों में भी वो उत्तम एवं गूढ़ ज्ञान परम दुर्लभ है। ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा, विष्णु, शेषनाग और धर्म और महाविराट, इन सब ने तथा श्रुतियों ने भी सब बातों का निरूपण किया है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारद, जो सविशेष तथा प्रत्यक्ष दृश्य तत्व हैं, उसका हम लोगों ने वेद में निरूपण किया है। प्राचीन काल की बात है, वैकुंठ धाम में मैंने, ब्रह्मा जी ने और धर्म ने श्री हरि के समक्ष अपना प्रश्न उपस्थित किया था। उस समय श्री हरि ने उसका जो कुछ उत्तर दिया वो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो ज्ञान तत्वों का सारभूत तत्व है, अज्ञान अंधकार से अंधे हुए लोगों के लिए नेत्र रूप है और दुविधा अथवा द्वैत नामक भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सर्वोत्तम प्रदीप के समान है। सनातन पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप है। वो देवधारियों के कर्मों के साक्षी रूप से समस्त शरीरों में विराजमान है। प्रत्येक शरीर में पांचों प्राणों के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विद्यमान है। मन के रूप में प्रजापति ब्रह्मा विराज रहे हैं। संपूर्ण ज्ञान के रूप में स्वयं मैं हूँ और शक्ति के रूप में ईश्वरी प्रकृति है। हम सब के सब परमात्मा के अधीन हैं। शरीर में उसके स्थित होने पर ही स्थित होते हैं और उसके चले जाने पर हम भी चले जाते हैं। जैसे राजा के सेवक सदा राजा का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम लोग उस परमात्मा के अनुगामी बने रहते हैं। जीव परमात्मा का प्रतिबिंब है, वही कर्मों के फल का उपभोग करता है। जैसे जल से भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब होता है तथा उन घड़ों के फूट जाने पर वो प्रतिबिंब फिर चंद्रमा और सूर्य में लीन हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में परमात्मा के प्रतिबिंब स्वरूप जीव की उपलब्धि होती है तथा सृष्टमयी उपाधि के नष्ट हो जाने पर वह प्रतिबिंब स्वरूप जीव पुनः सर्वव्यापी परमात्मा में लीन हो जाता है। वत्स, संसार का संहार हो जाने पर एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है। हम तथा ये चराचर जगत उसी में लीन हो जाते हैं। वो ब्रह्म मंडलाकार ज्योति पुंज स्वरूप है। ग्रीष्म ऋतु के मध्याकाल में प्रकट होने वाली कोटि कोटि सूर्यों के समान उसका प्रकाश है। वो आकाश के समान विस्तृत, सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। योगी जनों को ही वो चंद्रमंडल के समान सुखपूर्वक दिखाई देता है। योगी लोग उसे सनातन पर ब्रह्म कहते हैं और दिन रात उस सर्व मंगलमय सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए वह परमात्मा निरीह निराकार तथा सबका ईश्वर है। उसका स्वरूप उसकी इच्छा के अनुसार है। वो स्वतंत्र तथा समस्त कारणों में भी कारण है, परमानंद स्वरूप तथा परमानंद की प्राप्ति हेतु है। सबसे उत्कृष्ट प्रधान पुरुष प्राकृत गुणों से रहित तथा प्रकृति से परे है। प्रलय के समय उसी में सर्व बीज स्वरूपिणी प्रकृति लीन होती है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि में उसकी दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा, दुग्ध में धवलता और जल में शीतलता लीन रहती है। मुने, जैसे आकाश में शब्द और पृथ्वी में गंध सदा विद्यमान है, उसी तरह निर्गुण ब्रह्म में निपुण प्रकृति सर्वदा स्थित है। जब ब्रह्मा सृष्टि के लिए उन्मुख होता है तब अपने अंश से पुरुष कहलाता है। वत्स, वही गुणों विषय से संबंध स्थापित करने पर प्राकृत एवं विषयी कहा गया है। त्रिगुणा प्रकृति उस परमात्मा में ही उत्कृष्ट छाया रूपिणी मानी गई है। मुने, जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाने में सदा ही समर्थ होता है, उसी प्रकार वह ब्रह्म प्रकृति के द्वारा सृष्टि का निर्माण करने में नित्य समर्थ है। जैसे सुनार सुवर्ण से कुंडल बनाने की शक्ति रखता है, उसी तरह परमेश्वर उपान भूता प्रकृति के द्वारा सदा सृष्टि करने में समर्थ है। जैसे कुम्हार मिट्टी का निर्माण नहीं करता, मिट्टी उसके लिए नित्य एवं सनातन है, तथा जैसे सुनार सुवर्ण की सृष्टि नहीं करता, सुवर्ण उसके लिए नित्य वस्तु ही है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा नित्य है
और वो प्रकृति भी नित्य मानी गई है। इसलिए कुछ लोग सृष्टि में उन दोनों की ही समान रूप से प्रधानता बतलाते हैं। कुम्हार और सुनार एवं मिट्टी और सुवर्ण पैदा करके लाने में समर्थ नहीं है, तथा मिट्टी और सुवर्ण भी कुम्हार और सुनार को ले आने की शक्ति नहीं रखते। अतः मिट्टी और कुम्हार की घट में तथा सुवर्ण और सुनार की कुंडल में समान रूप से प्रधानता है। नारद, इस विवेचन से ब्रह्म प्रकृति से परे ही सिद्ध होता है। यही बात दृष्टि में रखकर कुछ लोग प्रकृति और ब्रह्म दोनों की ही निश्चित रूप से नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि ब्रह्म स्वयं ही प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रकृति ब्रह्म रूप के अतिरिक्त है, भिन्न है। वो ब्रह्म परम धाम स्वरूप तथा समस्त कारणों का भी कारण है। ब्राह्मण, उस ब्रह्म का लक्षण श्रुति में कुछ इस प्रकार सुनाया गया है। ब्रह्म सबका आत्मा है, वो सबसे निर्लिप्त और सबका साक्षी है, सर्वत्र व्यापक और सबका आदि कारण है। सर्व बीज स्वरूपिणी प्रकृति उस ब्रह्म की शक्ति है, जिससे वो ब्रह्म शक्तिमान है। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न है। योगी लोग सदा तेज स्वरूप में ही ब्रह्म का ध्यान करते हैं, परंतु सूक्ष्म बुद्धि वाले मेरे भक्त वैष्णव जन ऐसा नहीं मानते। वे वैष्णव जन उस आश्चर्यमय तेजो मंडल के भीतर सदा आकार, साकार, सर्वात्मा, स्वेच्छामय पुरुष के मनोहर रूप का ध्यान करते हैं। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान जो मंडलाकार तेज पुंज है, उसके भीतर नित्य धाम छिपा हुआ है, जिसका नाम गौलोक है। वो मनोहर लोक चारों ओर से लक्ष कोटि योजन विस्तृत है। सर्वश्रेष्ठ दिव्य रत्नों के सार तत्व से जिनका निर्माण हुआ है, ऐसे दिव्य भवनों तथा गोपांगनाओं से वो लोक भरा हुआ है, उसे सुखपूर्वक देखा जा सकता है। चंद्रमंडल के समान ही गोलाकार है। रतेंद्र सार से निर्मित वो धाम परमात्मा की इच्छा के अनुसार बिना किसी आधार के ही स्थित है। उस नित्य लोक की स्थिति वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है। वहाँ गौवें, गौ और गोपियां निवास करती हैं। वहाँ कल्प वृक्षों के वन हैं। गोलोक कामधेनु गौओं से भरा हुआ तथा रास मंडल से मंडित है। मुने, वो वृंदावन से आच्छन्न और बिरजा नदी से आविष्ठित है। वहाँ सैकड़ों शिखरों से सुशोभित गिरिराज विद्यमान है। सुवर्ण निर्मित लक्ष कोटि मनोहर आश्रम है, जिनसे वो अभिष्ट धाम अत्यंत दीप्तमान एवं श्री संपन्न दिखाई देता है। उन सब के मध्य भाग में एक परम मनोहर आश्रम है, जो अकेला ही 100 मंदिरों से संयुक्त है। वो परकोटों तथा खाइयों से घिरा हुआ तथा परिजात के वनों से सुशोभित है। उस आश्रम के भवनों में जो कलश रखे हैं, उनका निर्माण रत्नराज कौस्तुभ मणि से हुआ है, इसलिए वे उत्तम ज्योतिपुंज से जाजल्यमान रहते हैं। उन भवनों में जो सीढ़ियां हैं, वे दिव्य हीरों के सार तत्व से बनी हुई है। उनसे उन भवनों का सौंदर्य बहुत बढ़ गया है। मणिंद्र सार से निर्मित वहां के किवाड़ों में दर्पण लगे हुए हैं। नाना प्रकार के चित्र विचित्र उपकरणों से वो आश्रम भली भांति सुसज्जित है। उनमें 16 दरवाजे हैं तथा वो आश्रम रत्नमय प्रदीपों से अत्यंत उद्भासित होता रहता है। वहाँ बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित रमणीय रत्नमय सिंहासन पर सर्वेश्वर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। उनकी अंगकांति नवीन मेघ माला के समान श्याम है। वे किशोर अवस्था के बालक हैं। उनके नेत्र शरद काल की दोपहरी के सूर्य की प्रभा को छीन लेते हैं। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की शोभा को ढक देता है। उनका सौंदर्य कोटि कामदेवों की लावण्य लीला को तिरस्कृत कर रहा है। उनका पुष्ट श्री विग्रह करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सेवित है। उनके मुख पर मुस्कुराहट खेलती रहती है। उनके हाथ में मुरली शोभा पाती है। उनके मनोहर छवि की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की है। वे परम मंगलमय हैं। अग्नि में तपाकर शुद्ध किए गए सुवर्ण के समान रंग वाले 2 पीताम्बर धारण करने से उनका श्री विग्रह परम उज्ज्वल प्रतीत होता है। भगवान के संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कौस्तुभ मणि से प्रकाशित है। घुटनों तक लटकती हुई मालती की माला और वनमाला से विभूषित हैं। त्रिभंगी छवि से युक्त और मणि माणिक्य से अलंकृत हैं। मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। उत्तम रत्नमय मुकुट से उनका मस्तक जगमगाता रहता है। रत्नों के बाजूबंद, कंगन और मंजीर से उनके हाथ पैर सुशोभित हैं। उनके गंड स्थल रत्नमय युगल कुंडल से अत्यंत शोभा पाते हैं।
उनकी दंत पंक्ति मोतियों की पाती का तिरस्कार करने वाली है। वे बड़े ही मनोहर हैं। उनके ओंठ पके हुए बिंब फल के समान लाल हैं। उन्नत नासिका उनकी शोभा बढ़ाती है। सब ओर से घेर कर खड़ी गोपांगनाएं उन्हें सदा सादर निहारती रहती है। वे गोपांगनाएं ही सुस्थिर यौवन से युक्त मंद मुस्कान से सुशोभित तथा उत्तम रत्नों के बने हुए आभूषणों से विभूषित हैं। देवेंद्र मुनिंद्र